फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि द रेस्ट ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम द रेस्ट ऑफ का कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। द रेस्ट ऑफ का मीनिंग बाकी या और बचे हुए। फ्रेंड्स कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ आप कहते हैं बाकी, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं या तुम्हारे और दोस्त कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स जब आपको कहना हो बाकी या और बचे हुए तो इस सेंस में आप द रेस्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। अगर लिखा हो तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं या तुम्हारे और दोस्त कहाँ हैं, तो आप कहेंगे वेयर आर द रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। आपने यहाँ देखा कि बाकी या और के लिए मैंने द रेस्ट ऑफ का इस्तेमाल किया। और अगर आपको आंसर में कहना हो मेरे बाकी दोस्त आ रहे हैं, तो आप कहेंगे द रेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाकी के लिए आप द रेस्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको कहना हो बाकी या बचे हुए या छूटे हुए तो इस सेंस में आप द रेस्ट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि इस कंसेप्ट को आप शानदार तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स अगर लिखा हो आप बाकी पैसे कब देंगे, तो आप कहेंगे When will you give the rest of money? यानी बाकी बचे हुए पैसे आप कब देंगे। तो अगर आपको जवाब में कहना हो कि मैं कल बाकी पैसे दूंगा, तो आप कहेंगे I shall give the rest of money tomorrow. यानी बाकी पैसे या बचे हुए पैसे मैं कल दूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो बाकी रेलवे टिकट कहाँ है, तो आप कहेंगे वेयर आर द रेस्ट ऑफ रेलवे टिकट्स। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर हैं, तो आप कहेंगे सम पीपल आर हियर एंड सम पीपल आर ऑन द रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो मैं बाकी सामान कल ले जाऊंगा, तो आप कहेंगे आई पिक द रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टुमारो। यानी मैं बाकी प्रोडक्ट्स कल ले जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको द रेस्ट ऑफ का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।